रामेश्वर सिंह जी का एक सवाल है, वो कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का क्या कट ऑफ होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बच्चों में? एक जनरलाइज सा सवाल है, लेकिन इसका सवाल जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। जी हीमोग्लोबिन, ऐसा कोई कट ऑफ हीमोग्लोबिन का स्पेसिफिक नहीं है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए। ये क्या तकलीफ बच्चे को है, क्या डिसीज बच्चे को है, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मैं थैलेसीमिया की बात कर रहा था, इन बच्चों में हमको हीमोग्लोबिन, अगर ये थैलेसीमिया मेजर है तो उनमें हीमोग्लोबिन हमको एक क्राइटेरिया होते हैं कुछ डिसीजेस के, जिसमें 9.5 to 10.5 रखना होता है। अगर हम नहीं रखें तो उन बच्चों में बाकी प्रॉब्लम्स आने की गुंजाइश ज्यादा होती है। अगर ये सिर्फ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, जो बहुत आम बात है इंडिया में आयरन डिफिशियंसी, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ चिल्ड्रेन आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, डाइट प्रॉब्लम्स और ओवर फीडिंग ऑफ द मिल्क, ऐसे चीजों के कारण अगर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन 3 या 4 भी रहता है, बट अगर बच्चा स्टेबल है, तकलीफ नहीं है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ऐसे बच्चों को हम आयरन से ही मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी चीज होती है, अगर एनीमिया हमको 3 या 4 हीमोग्लोबिन हो गया, बट उसका कारण अगर ब्लीडिंग हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के कारण अचानक हो गया, साथ में कुछ प्रॉब्लम्स है बॉडी के, कुछ फंक्शंस पे असर हो रहा है, तो उस वक्त हमको थोड़ा ज्यादा हीमोग्लोबिन में भी ब्लड देना पड़ता है। तो ऐसा कोई कट ऑफ फिक्स, कोई डिसीज के लिए कट ऑफ होते हैं, ऐसा कोई ओवरऑल, अगर आप जनरलाइज बोले कि 4 हीमोग्लोबिन है तो ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं।